हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता चल ही गया होगा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वालों वार्ड अटेंडेंट दियां 800 पोस्टां दे लई एग्जाम दी डेट घोषित कर दित्ती गई है। 14 नवंबर नू इस दा एग्जाम ले लिया जाएगा। हाँ जी, इस दे लई आपां वार्ड अटेंडेंट दे सिलेबस नू ध्यान विच रखदे होए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिस विच आपां उही क्वेश्चन करांगे जिहड़े कि एग्जाम दे लई महत्वपूर्ण ने। हाँ जी फ्रेंड, वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहला मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि जिहड़े भी साथी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे ने, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे ने, उह चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लैण ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस कर लैण, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम दे नाल मिलदी रहेगी। हाँ जी स्टार्ट करते हाँ। फस्ट क्वेश्चन अपना दिता होया है, हेठ दित्तियां ड्यूटीज़ विचों केड़ी एक वार्ड अटेंडेंट की सब तो जरूरी ड्यूटी है। चार ऑप्शन ने साडे कोल। फस्ट दिता जी मरीज़ बारे जानकारी प्राप्त करना, सैकेंड ऑप्शन दिता होया है मरीज़ नू जरूरी दवाइयां की सुविधा देनी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी खतरे प्रति जाणू रहना, ते फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी फ्रेंड, इस तरह के ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तुहानू दित्ते जाणगे। हुण इस विच जिहड़ा करैक्ट आंसर अपना हो जाता है वह हो जाता जी ऑप्शन नंबर सी, खतरे प्रति जाणू रहना। हाँ जी, सब तो ढुकवां आंसर अपना हैगा खतरे प्रति जाणू रहना। एक वार्ड अटेंडेंट नू खतरे प्रति जाणू रहना बहुत ही जरूरी है। बाकी भी ड्यूटी जरूरी ने, जिवें कि मरीज़ बारे जानकारी प्राप्त करना, मरीज़ नू जरूरी दवाइयां दी सुविधा देनी, पर इसका जिहड़ा ढुकवां आंसर बनता है वह बनता है जी खतरे प्रति जाणू रहना। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना सैकेंड क्वेश्चन दिता होया है, जदों किसी व्यक्ति नू एक्सीडेंट जां होर चोट राही छोटा जिहा कट पै जावे तां तुसीं की करोगे। हाँ जी, आपां दसना है कि कोई व्यक्ति जां पीड़ित नू एक्सीडेंट नाल शरीर विच किते भी कट पै जावे तां इस नू आपां किस तरह ठीक कर सकते हैं। तां चार ऑप्शन दित्ते होए ने। फस्ट हैगा जी जख्म नू पानी ते सोप नाल धो के उस नू पट्टी नाल कवर करोगे। सैकेंड ऑप्शन हैगा सिर्फ पट्टी नाल जख्म नू कवर करोगे। थर्ड ऑप्शन हैगा जी रूह या कोटन नाल साफ करोगे। तो फोर्थ ऑप्शन दिता है बी अते सी, यानी कि पहला सिर्फ पट्टी नाल जख्म नू कवर करोगे तो रूह नाल साफ करोगे। तो इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, अपना जख्म नू पहला आपां चंगी तरह पानी या सोफ या फिर डिटोल नाल धोवांगे, उस तो बाद उसते आपां पट्टी करांगे तां जो किसी तरह का भी इन्फेक्शन जिहड़ा ना होवे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है जी, फर्स्ट एड प्रदान करने वाला हुंदा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा है कि फर्स्ट एड प्रदान करने वाला कौन हुंदा है। फर्स्ट ऑप्शन दिता होया है डॉक्टर, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी नर्स, थर्ड ऑप्शन हैगा कोई भी व्यक्ति महिला जो उस वेले पीड़ित की मदद करे, तो फोर्थ हैगा जी वार्ड अटेंडेंट। तो इसका जिहड़ा ढुकवां आंसर हो जाता अपना वह हो जाता जी ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति जां महिला या फिर मित्र दोस्त रिश्तेदार जिहड़ा कि पीड़ित की मदद करे वो अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। उसनों आपां फस्ट एड प्रदान करने वाला कहिंदे हाँ, क्योंकि देखो तुसीं इहदे विच ऑप्शन फस्ट दिता है डॉक्टर ते सैकेंड एक है नर्स, ये दोवें फस्ट एडर च नहीं आते, इस गल का तुसीं ध्यान रखना है। फस्ट एडर च वार्ड अटेंडेंट आ जाता है, पर इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर बन रहा है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर सी, कि कोई भी व्यक्ति जो महिला या व्यक्ति जां महिला जो उस वेले पीड़ित की मदद करे, यानी कि हर एक नू फस्ट एड बारे पता होना चाहिए है। तो इसका करैक्ट आंसर जिहड़ा अपना बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन पा के तुहाडा जिहड़ा आई क्यू चैक करनगे। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हाँ। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, फस्ट एड बारे जानकारी होनी चाहिए है। हाँ जी, फस्ट एड बारे जानकारी किनू होनी चाहिए है। फस्ट दिता है डॉक्टर नू, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी वार्ड अटेंडेंट नू, थर्ड ऑप्शन हैगा नर्स नू, ते फोर्थ हैगा जी हरेक नू। हुणे आपां करके हटे हाँ कि फस्ट एड बारे जानकारी जिहड़ी हरेक नू होनी चाहिए है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाता है। तो फिर तो रिपीट कर देना कि डॉक्टर ते नर्स ये जिहड़े फस्ट एडर च नहीं आते,
इस गल का तुसी विशेष ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिता हुआ जी, फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है। हाँ जी, फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन ने अपने को, फर्स्ट है जी जीवन नूं कायम रखन लई, सैकेंड ऑप्शन है दुख नूं रोकन लई, थर्ड है जी जल्दी रिकवरी नूं उत्साह करन दे लई, ते फोर्थ है उपरोक्त सारे। हाँ जी, फर्स्ट एड का परपज़ होंदा जी जीवन नूं कायम रखन दे लई भी, दुख नूं रोकन दे लई भी। जेकर तुसी किसी पीड़ित नूं फर्स्ट एड दे रहे हो तो उसका दुख जिहड़ा दर्द कम हो जाएगा। थर्ड है जी जल्दी रिकवरी ते उत्साह करन दे, यानी कि तुसी जे किसी पीड़ित नूं फर्स्ट एड दे रहे हो तो तुसी उसका उत्साह बढ़ाओगे कि तुसी जल्दी ठीक हो जावेंगे, कोई वड्डी चोट नहीं लगी थोनू, तो इस तरह उसका उत्साह बढ़ा के तुसी भी उसकी जल्दी रिकवरी लई उसनूं उत्साह कर सकते हो। तो इसका करैक्ट आंसर बन जाता जी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे, कि फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है, जीवन नूं कायम रखना, दुख नूं रोकन लई, जल्दी रिकवरी नूं उत्साहित करन दे लई। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन के लिए। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, हादसे नाल निपटन तो पहला की करना जरूरी है। हाँ जी, जेकर तुसी एक फर्स्ट एडर हो तो जो कोई हादसा हो जाता है उत्थे रोगी तो नाल उहदे नाल निपटन दे रही तुसी की पहला अपनी सावधानियां वरतोंगे। तो फर्स्ट दिता जी मास्क पहनना, सेकेंड है जी दस्ताने पहनना, थर्ड ऑप्शन है सिर कवर करना ते एपरन पाउणा, ते फोर्थ है जी उपरोक्त सारे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सारे, यानी कि आप जो हादसे नाल निपटन तो पहला की करांगे। जो आप कोई वड्डा एक्सीडेंट जां हो जाता जी हादसा, तो आप सब तो पहला अपना मास्क पहनांगे, क्योंकि हो सकता है आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उहदे नाल बैक्टीरिया दे नाल जिहड़ा रोगी नूं इन्फेक्शन हो जाए, नुकसान हो जाए। तो सैकेंड है जी ग्लाउज पहनना, कि वो नाल अपने मतलब लहू वगैरह ना लग जाए, तो ये भी जरूरी है। थर्ड है सिर कवर करना, तो एपरन पाउणा, हाँ जी आ भी जरूरी है। तो इस करके अपना जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन बनता है जी, हादसे नाल निपटन समय की कुछ नहीं करना चाहिए। वो क्वेश्चन तुसी ध्यान नाल पढ़ना है, पहले विच दिता सी कि कुछ करना चाहिए, इस विच दिता है कि कुछ आपू नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिता जी दवाई नहीं दे सकते। हाँ जी, अपनी मर्जी के नाल जिहड़े उस टाइम रोगी नूं दवाई नहीं दे सकते कि जिहड़ी फलानी दवाई तुसी खा लो तो ठीक हो जाएगी, मतलब कि आपां खुद ही डॉक्टर नहीं बनना। सैकेंड ऑप्शन भी इस नाल दा हैगा कि टीका नहीं लाउणा, कि आपां रोगी नूं वेख के एवें ही टीका ला दईए कि आ टीके नाल ठीक हो जाएगा, तो आ भी गलत हैगा। थर्ड दिता जी मृतक घोषित नहीं कर सकते। हाँ जी, आ भी ऑप्शन बनता है कि आपां किसी भी रोगी जां पीड़ित नूं अगर उहदा साह रुक भी गया होवे तां आपां नूं जिहड़ा मरिया होया घोषित नहीं कर सकते। की हुंदा जी डॉक्टरां कोल मशीनां हुंदियां ने जिस दे नाल उहनूं साह भी दवाया जा सकता है, यानी कि आपां मरन तो पहला उहनूं इस अवस्था विच वेख के एवें नहीं कह सकते कि वह मर चुके है। ऑप्शन डी हैगा जी उपरोक्त गल्लां नूं ध्यान विच रखना चाहिए। हाँ जी, ये ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा कि हादसे नाल निपटन समय की कुछ नहीं करना चाहिए, तो यह सारा कुछ आपां नूं नहीं करना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर है। हाँ जी, आ क्वेश्चन मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता जी डॉक्टर, थर्ड ऑप्शन हैगा नर्स, सॉरी सैकेंड ऑप्शन हैगा नर्स, थर्ड ऑप्शन दिता है वार्ड अटेंडेंट, तो फोर्थ हैगा नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है कि हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। सॉरी, फिर तो रिपीट कर दें, क्वेश्चन मैं गलत रीड करता। क्वेश्चन दिता हुआ हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर है, तुसी दसना है कि इन्हां चार ऑप्शन विचों कौन एक फर्स्ट एडर है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, फर्स्ट एड के प्रिंसीपल 4 C's तो की भाव है, यानी कि 4 C तो की भाव हुंदा है फर्स्ट एड के प्रिंसीपल विच।
तो फर्स्ट ऑप्शन दिता जी कॉल फॉर हेल्प, यानी कि मदद ले कॉल करनी जेकर तुसी किसी पीड़ित या रोगी के कोल पहुँचे हो। जेकर तुसी कल्ले हो उसकी मदद नहीं कर सकते तो तुहानू की है मदद ले कॉल करनी चाहिए है। सैकेंड दिता जी कामली टाक टेक चार्ज, यानी कि तुसी शांति दे नाल चार्ज लेना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। थर्ड दिता जी चेक द सीन एंड द कॉजलिटी, यानी कि कार्य कुशलता के नाल तुसी सारा कुछ वेखना है पहला तो काम करना है। फोर्थ हैगा जी केयरफुली अप्लाई फर्स्ट एड, यानी कि तुसी सावधानी नाल उनू फर्स्ट एड देनी है। ऑप्शन ई दिता है जी अबब आल दी अबब, यानी कि ए उत्ते दिते सारे। तो फर्स्ट एड के प्रिंसीपल विच फोर सीज़ का आई मतलब होंगे, चार सीज़ का की मतलब होंगे जी कि मदद ले कॉल करनी, शांति नाल चार्ज लेना होता, तो कार्य कुशलता दे नाल उहदा देखभाल करनी होती, तो फोर्थ है जी आपां केयरफुली उहदे उत्ते फर्स्ट एड जिहड़ी अप्लाई करनी। तो इसका करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है हादसे नाल निपटण वेले हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक्शन एक वार्ड अटेंडेंट जां फर्स्ट एडर नूं नहीं करना चाहिए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी कि हादसे दे नाल निपटण वेले किहड़ा एक्शन जिहड़ा किरिया तुसी एक वार्ड अटेंडेंट होण दे नाते या फिर एक फर्स्ट एडर होण दे नाते नहीं करनी। फर्स्ट हैगा जी स्थिति का मुलांकण, हाँ जी आता करना जरूरी है। सैकेंड ऑप्शन है हादसे का मुलांकण, आ भी करना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन दिता जी पीड़ित की हालत वेख के घबरा जाना, आ बिल्कुल गलत है जी, यानी कि यही ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा। फोर्थ वेख लें, फोर्थ है जी अपने अते मरीज की सुरक्षा करनी, आ भी सही है। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीड़ित की हालत वेख के अपन घबराना नहीं, उसका हौसला बजाई करना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है एक चंगे फर्स्ट एडर की जिम्मेवारियां होंदिया ने। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अपना जिम्मेवारियां दसनी है कि एक चंगे फर्स्ट एडर होने दे की जिम्मेवारियां ने। फर्स्ट ऑप्शन दिता जी किसी स्थिति की जल्दी और सुरक्षित ढंग नाल मुलांकण करना, उचित मदद की मंग करना, हाँ जी ये भी जरूरी है। सैकेंड दिता जी एक समझदार तरीके नाल छेती अते टुकवां इलाज करना, हाँ जी ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड दिता जी सट दे पत्थर जां बीमारी दे सुझाव सॉरी सुभाव की पछाण करना जो हादसे पीड़ित नूं प्रभावित करती है, तो ऑप्शन सी भी अपना सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अपना हो जाएगा जी उपरोक्त सारी, यानी कि इन गल्लां दा आपां नूं ध्यान रखना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी डी डॉक्टर ए बी सी विच अखर पी तो तुहाडा की भाव है, हाँ जी डॉक्टर ए बी सी विच अखर तो तुहाडा की भाव है। ये एक डबल्यू एच ओ की फर्स्ट एड विच टर्म दिती हुंदी है जी डॉक्टर ए बी सी। इस विच आपां दसना कि अखर पी का की भाव है। चार ऑप्शन ने बैलेंस ब्रेक ब्रीथिंग ते बैकबोर, हाँ जी इस विच अखर पी का मतलब हुंदा जी ब्रीथिंग। हुण आपां फुल फॉर्म वाल चलते हैं कि डॉक्टर ए बी सी की फुल फॉर्म की होंदी है जी। एस की फुल फॉर्म होंदी है जी टी का मतलब होंदा है जी डेंजर, यानी कि खतरे बारे जानकारी लेनी। आर का रिस्पोंस चैक करना कि पीड़ित का रिस्पोंस की हैगा जी। ए का मतलब एयरवे, उहदा चैक करना कि मूँह खुला है जां बंद हैगा। बी का मतलब होंदा जी ब्रीथिंग, उहदा सांस चैक करना, दिल की धड़कन वगैरह चैक करना। तो सी का मतलब होंगे जी सर्कुलेशन, उनका सर्कुलेशन आप चेक करना। आ फुल फॉर्म होंगी जी डॉक्टर ए बी सी की, फिर तो रिपीट कर दें। डी का मतलब डेंजर, आर का मतलब रिस्पोंस, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। हाँ जी अज के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी तुसी एक हादसे नाल पीड़ित व्यक्ति की ब्रीथिंग किवें चेक करोगे, हाँ जी आ क्वेश्चन भी थोड़ा आई क्यू चेक करेगा। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट दिता जी देख के सुन के ते महसूस करके, सेकेंड ऑप्शन है जी सुन के, थर्ड ऑप्शन दिता जी सीधा देख के, ते फोर्थ है जी सीधा महसूस करके। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि पहला आप पीड़ित नूं वेखांगे, फिर सुणांगे ते फिर महसूस करांगे। इस दे नाल आपां नूं पता लगेगा कि जिहड़ा पीड़ित है वह सां ले रहा जां नहीं ले रहा। बाकी दे ऑप्शन भी आपां नूं सही लगणगे, पर इस दा टुकवां जिहड़ा आंसर बनता है वह बनता है जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी फ्रेंड, अज की वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नूं शेयर करो। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो, फस्ट टाइम जिहड़ी साडी वीडियो वेख रहे हो, तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानूं साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम दे नाल मिलदी रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो 'च। उदों तक दे लई टेक केयर।